गुड मॉर्निंग गाइस। यार कल हमने डिस्कस किया था टाइप 1 एलएसए या फिर आप उसको बोल सकते हो। पहले ये बताओ यार ओएसपीएफ नेबरशिप में स्टेट्स कितनी होती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगली। और टू वे स्टेट में दो राउटर क्या बन जाते हैं? नेबर। कल मैंने आपको इनिट स्टेट भी दिखाई थी, ठीक है जी। एक्सटर्ट स्टेट में क्या होता है? हाँ भाई कौन बताएगा? दोनों राउटर एक दूसरे के राउटर आईडी सबमिट। एक्सटर्ट स्टेट में मैंने आपको पॉइंट भी लिखवाए थे कि सबसे पहले क्या होंगे और सबसे पहले डीबीडी में क्या मैच होगा, एमटी। उसके बाद मास्टर स्लेव इलेक्शन, जिस राउटर की हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वो क्या बन जाएगा? दूसरा क्या बन जाएगा? स्लेव। मास्टर स्लेव इलेक्शन हो क्यों रहा है? सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए। दिस थिंग इज क्लियर। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई दोनों राउटर एक इंडेक्स एक्सचेंज करते हैं अपने डेटाबेस का। उसके बाद क्या एक्सचेंज करते हैं? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। फिर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट के लिए क्या जाता है? एक लिंक स्टेट अपडेट। और अपडेट के बाद क्या आती है? एक लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस एक्नॉलेजमेंट को प्रोवाइड करने के लिए ओएसपीएफ का इनबिल्ट प्रोसेस है। ओएसपीएफ किसी और प्रोटोकॉल की हेल्प नहीं लेता। आज सिर्फ हमें इस स्टेप में एक चीज और ऐड करनी है। इन स्टेप्स में आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राउटर्स विल फॉर्म नेबरशिप ऑन और फास्ट ईथरनेट मीडिया का मतलब जब नेटवर्क टाइप क्या होगी? ब्रॉडकास्ट। तो गाइस सिर्फ एक स्टेप ऐड कर लेना कि टू वे स्टेट के एंड में क्या हो जाएगा? डीआर और बीडीआर इलेक्शन, ठीक है जी। डीआर और बीडीआर की इंफॉर्मेशन राउटर हेलो पैकेट में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है जी। इन द बिगिनिंग 0.0.0 is DR IP address and 0.0.0 is BDR IP address. Fine. Starting में DR IP address क्या होता है? 0.0.0.0 और BDR भी क्या होता है? 0.0.0.0. अब हमें चलना है अगले टाइप ऑफ LSA पे जिसका नाम है टाइप 2 LSA। ये नेबरशिप हम खत्म कर चुके हैं ऑन फास्ट इथरनेट मीडिया भी और ऑन सीरियल मीडिया। सिर्फ एक फास्ट इथरनेट मीडिया पे जो एक अलग बात होगी वो ये होगी कि भाई डीआर बीडीआर इलेक्शन होगा एट द एंड ऑफ टू वे स्टेट। अब हम बात करेंगे कि डीआर बीडीआर इलेक्शन होगा क्यों। भाई तो सबसे पहले मैंने लिखा टाइप 2 एलएसए जिसका नाम है नेटवर्क एलएसए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ टाइप 2 एलएसए? नीड क्या है टाइप 2 एलएसए? फाइन। तो यार देखो अभी हमने पढ़ा था कि एक राउटर है वो एक सीरियल लिंक से दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? राउटर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है? फास्ट ईथरनेट लिंक से। तो यार देखो जब भी राउटर फास्ट ईथरनेट लिंक पे कनेक्टेड होंगे देयर कैन बी अ चांसेस दे हैव ओनली वन नेबर। चांस हो सकते हैं कि उनके कितने नेबर हो? एक। लेकिन चांस तो ये भी हो सकते हैं कि सेम सेगमेंट में उनके क्या हो? मोर देन वन नेबर। तो अब मैं शुरुआत करता हूं टाइप 1 एलएसए से। कौन से एलएसए से? हाँ भाई टाइप 1 एलएसए में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? नंबर ऑफ लिंक्स, उसके बाद राउटर आईडी, कॉस्ट, रीचेबल नेबर्स। वेरी गुड, ये इंफॉर्मेशन होती है। और भी तीन इंफॉर्मेशन होती हैं वो आप देख लेना। हमारा मेन कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है हमें? हम बताते हैं ना हर इंटरफेस पे रीचेबल नेबर कितने, तो R1 को इस बार क्या इंफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी कि सेम लिंक पे नेबर रीचेबल कौन कौन है, R2 और R3। R2 को क्या इंफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, R1 और R3। R3 को क्या इंफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, R1 और R2। यार अगर आप ध्यान से देखो हर राउटर एक सेम इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, हर राउटर क्या जनरेट कर रहा है, सेम इंफॉर्मेशन, जिससे मेरा टाइप 1 LSA क्या हो रहा है बहुत बड़ा, इससे मेरे टाइप 1 LSA का साइज क्या हो रहा है बहुत बड़ा। देखो ना अगर मैं कहता हूँ इस सेगमेंट को बोलते हैं सबसे पहली बात मल्टी एक्सेस सेगमेंट, क्या बोलते हैं मल्टी एक्सेस सेगमेंट। मल्टी का मतलब बहुत सारे, एक्सेस का मतलब यूज करना किसी चीज को, सेगमेंट का मतलब, सेगमेंट मींस कनेक्शन ऑफ नोड्स, ठीक है जी। इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, ये जो स्विच के चारों तरफ एक नेटवर्क लगा हुआ है उसको मल्टीपल राउटर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस, तभी उसको क्या बोलते हैं मल्टी एक्सेस सेगमेंट। अब मैं अगली बात क्या बोल रहा हूं, अगर इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे 10 राउटर लगे हुए हैं तो हर एक राउटर के कितने नेबर होंगे, 9। हर राउटर ये इंफॉर्मेशन बनाएगा कि मेरे इस इंटरफेस पे कितने नेबर कनेक्टेड है, 9। क्लियर, जिससे कि टाइप 1 LSA का साइज क्या हो जाएगा बहुत बड़ा। ये साइज बड़ा ना हो इसलिए मैंने कौन सा LSA बनाया, टाइप 2। मतलब टाइप 2 LSA में इंफॉर्मेशन ही क्या होती है कि इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे कितने राउटर्स कनेक्टेड हैं। क्या इंफॉर्मेशन होती है कि इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे कितने राउटर्स कनेक्टेड हैं। अब कितने राउटर्स कनेक्टेड, टोटल 10। कितने कनेक्टेड टोटल 10, जिससे मैंने क्या किया हर टाइप 1 LSA में सेम इंफॉर्मेशन नहीं डाली, एक अलग से LSA ही बना दिया, इसको नाम क्या दे दिया, टाइप 2। टाइप 2 का मतलब नेटवर्क LSA। मतलब पहली प्रॉब्लम मेरी रिजॉल्व हो गई कि टाइप 1 LSA का साइज इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम अभी भी है, अगर ये टाइप 2 LSA हर राउटर जनरेट करेगा तो सेम LSA की कॉपी हर राउटर के पास कितनी बार आ जाएगी, 10 बार। कितनी बार आ जाएगी, 10 बार। क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का कि टोपोलॉजी में डेटाबेस सबका क्या होता है, आइडेंटिकल। क्या होता है, आइडेंटिकल। तो मैं भी टाइप 2 LSA जनरेट करूंगा, बाकी 9 राउटर भी करेंगे, तो मेरे पास अपना तो होगा ही होगा, बाकी 9 राउटर्स का भी होगा। एग्री और नॉट। वैसे ही दूसरे राउटर के साथ होगा, वैसे ही तीसरे राउटर के साथ होगा कि हर एक के पास कितने टाइप 2 LSA होंगे, 10 10। अब इस LSA फ्लडिंग को रोकने के लिए पहली प्रॉब्लम क्या आई, मेरे पास बहुत सारा डेटाबेस आ गया यार, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटाबेस आ गई है, ठीक है जी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, मेरे नेबर्स कितने राउटर हैं, 9। मैंने एडजेसेंसी कितनों के साथ फॉर्म किया है, 9 के साथ। मैंने डेटाबेस कितनों के साथ एक्सचेंज किया है, 9 के साथ। क्या जरूरत है भाई 9 के साथ डेटाबेस एक्सचेंज करने की। तो नंबर ऑफ एडजेसेंसीज को कम करना है मुझे और अपने डेटाबेस की कॉपीज को कम करना है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने बनाया डीआर और बीडीआर। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी कि सारे लोग क्या जनरेट कर रहे थे, टाइप 2 LSA। अब सिर्फ टाइप 2 LSA कौन जनरेट करेगा, एक राउटर। एक राउटर जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट में सबसे पहले ऑन होगा, एक राउटर जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट में सबसे पहले क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, डीआर, और वही क्या जनरेट करेगा, टाइप 2 LSA। मतलब सेगमेंट में जितने भी राउटर कनेक्टेड है सबकी इंफॉर्मेशन देना किसका काम है, डीआर का। अब सेगमेंट पे बाकी जितने भी राउटर बच जाएंगे वो नेबरशिप तो आपस में सबके साथ फॉर्म करेंगे, लेकिन एडजेसेंसी सिर्फ किसके साथ फॉर्म करेंगे, डीआर के साथ। सिर्फ किसके साथ फॉर्म करेंगे, डीआर के साथ। दोस्तों इसलिए अब अगर एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट में 5 राउटर हैं और एक राउटर डीआर है तो उसकी एडजेसेंसी कितने के साथ होगी, बाकी 4 के साथ। लेकिन बाकी 4 की एडजेसेंसी किसके साथ होगी, सिर्फ एक के साथ, एंड दैट राउटर इज कॉल्ड डीआर, ठीक है। अब जो मेरा डेटाबेस मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो रही थी वो प्रॉब्लम क्या हो गई, रिजॉल्व। नंबर ऑफ एडजेसेंसीज भी क्या हो गई, रिड्यूस। यही तो मुझे चाहिए था। यही तो मुझे चाहिए था, दिस इज व्हाट आई वांट। दिस थिंग इज क्लियर। दूसरी बात पे आते हैं। लेट्स से 5 राउटर कनेक्टेड है मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे, ठीक है जी। तो टाइप 2 एलएसए कितने राउटर जनरेट करेंगे? एक राउटर जनरेट करेंगे। कितने राउटर जनरेट करेंगे? एक। उस एक राउटर को हम क्या बोलेंगे? डीआर। क्या बोलेंगे? डीआर, ठीक है जी। अब अगर आपसे कोई लॉजिक पूछता है कि हम टाइप 2 एलएसए क्यों लेके आए, बता सकते हैं उसको? ठीक है जी। तो क्या क्या बेनिफिट मिले मुझे टाइप 2 एलएसए बनाने से? सबसे पहली बात, टाइप 1 एलएसए का साइज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। दूसरी बात, फ्लडिंग ऑफ डेटाबेस भी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। थर्ड थिंग, नंबर ऑफ एडजेसेंसी भी क्या हो गई? इतनी बात खत्म करें, ठीक है। और टाइप 2 एलएसए में इंफॉर्मेशन क्या होती है? नंबर ऑफ राउटर्स कनेक्टेड ऑन। इस इंफॉर्मेशन को जनरेट कौन करता है? डीआर का मतलब क्या होता है? डेजिग्नेटेड। एक बात और करते हैं, आप ध्यान देना। अब लेट से मैंने इस राउटर को क्या बना दिया? डीआर। अब ये दोनों बंदे नेबरशिप एडजेसेंसी किसके साथ फॉर्म करेंगे? सिर्फ सॉरी, नेबरशिप इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? एडजेसेंसी, राइट। तो नेबरशिप आपस में भी फॉर्म करेंगे, लेकिन एडजेसेंसी आपस में फॉर्म नहीं करेंगे। मतलब ये बंदा अपना डेटाबेस इसको देगा और ये इसका डेटाबेस इसको दे देगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लेकिन जब भी डेटा ट्रेवल करेगा, जब भी क्या ट्रेवल करेगा? डेटा ट्रेवल हमेशा कैसे करेगा? डेटा कभी भी डीआर के पास, डेटा की बात क्या कर रहा हूं मैं, जब भी ट्रैफिक जाएगा, जब भी यूजर ट्रैफिक भेजेंगे, वो कभी डीआर के पास नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा? ऑल राउटर्स आर कनेक्टेड ऑन अ मल्टी एक्सेस सेगमेंट, यस और नो? अगर आपको याद हो तो दो इंफॉर्मेशन होती थी। पहली इंफॉर्मेशन क्या थी कि इस इंटरफेस पे नेबर रीचेबल कौन सा, ये इंफॉर्मेशन थी। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होती थी? मेरे अपने इंटरफेस की आईपी, मेरे अपने इंटरफेस की आईपी। कल मैंने आपको बताया ना, जब कोई राउटर अपनी राउटिंग टेबल बनाता है तो वो इंटरफेस आईपी एज अ नेक्स्ट हॉप यूज करता है। क्या यूज करता है? एज अ नेक्स्ट हॉप। तो ये बंदा जब अपना डेटाबेस बना के R1 को देगा और R1 वो डेटाबेस किसको देगा? R3 को। R3 को जब अपनी राउटिंग टेबल बनानी होगी तो R3 वही नेक्स्ट हॉप आईपी क्या रखेगा अपनी? ओ वही आईपी ऐसा क्या यूज करेगा? नेक्स्ट अप आईपी डायरेक्टली होगी। दे आर ऑन सेम मल्टी एक्सेस सेगमेंट, और डेटा हमेशा कैसे जाएगा? ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। तो हर राउटर अपने इंटरफेस की आईपी डीआर को बताएगा, डीआर सामने वाले राउटर को बताएगा, और सामने वाला राउटर उस आईपी को कैसे यूज करेगा? एज अ नेक्स्ट अप आईपी। नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डीआर का मेरे पास एक बैकअप भी है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। अब सबसे पहली बात है, मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे डीआर और बीडीआर इलेक्ट कैसे होते हैं? डीआर एंड बीडीआर इलेक्टेड आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। कौन सी प्रायोरिटी? सुन लो यार, किसकी प्रायोरिटी होती है? इंटरफेस, ठीक है जी। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होती है 1। अगर आप चाहते हो कि कभी भी कोई राउटर मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे कनेक्टेड है और फिर भी वो डीआर और बीडीआर इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, उसकी प्रायोरिटी क्या कर दो। बीडीआर क्या होता है? बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। बीडीआर का भी वही काम है जो किसका है, डीआर का। लेकिन बीडीआर कभी भी टाइप 2 एलएसए जनरेट नहीं करता, लेकिन बाकी सारे राउटर जैसे डीआर को ट्रीट करते हैं वैसे ही किसको ट्रीट करते हैं, बीडीआर। क्यों? कि अगर नेटवर्क में डीआर डाउन चला जाता है तो हमारी कनेक्टिविटी किसके साथ होनी चाहिए, बीडीआर। ठीक है जी, वी मस्ट हैव अ बैकअप। अब गाइस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है OSPF 224.0.0.5 और 224.0.0.6। जैसे बाकी सारे राउटिंग प्रोटोकॉल काम करते हैं ना, वैसे उसका OSPF का ये एड्रेस भी काम करता है 224.0.0.5। बट व्हाट इज स्पेशल इन 224.0.0.6? R1 switch, R2, R3, R4। लेट्स से बंदा कौन है, 3 रोल होते हैं मल्टी एक्सेस सेगमेंट नेटवर्क पे। एक डीआर बनता है राउटर, एक बीडीआर बनता है और बाकी सारे क्या बनते हैं, डीआर, या फिर मैं बोलता हूं डीआर ब्रदर्स। फाइन, इट्स योर वे ऑफ थिंकिंग। नाउ जब भी डीआर अदर को कोई अपडेट सेंड करना होता है, क्या सेंड करना होता है कोई अपडेट, तो अपडेट वो हमेशा किस पे सेंड करता है, 224.0.0.6। क्योंकि 6 को लिसन कौन कर सकता है, सिर्फ डीआर। कौन लिसन कर सकता है? अब आप कहोगे सर इसने 224.0.0.5 ही क्यों नहीं यूज किया? अगर कर लेता तो डीआर अदर भी डायरेक्टली हियर कर लेते सेम अपडेट को, तो डीआर बनाने का बेनिफिट क्या होगा? फिर डीआर बनाने का कोई बेनिफिट ना होता, एग्री और नॉट। नंबर ऑफ एडजेसेंसीज को कम करने का कोई बेनिफिट ना होता है, कोई डेटाबेस स्प्रेडिंग तो उतनी रहती, डेटाबेस स्प्रेडिंग तो उतनी रहती। तो मैंने क्या किया, जब भी डीआर अदर कोई अपडेट भेजेगा तो वो अपडेट हमेशा किस पे भेजेगा, एक अलग मल्टीकास्ट एड्रेस पे, जिसको लिसन सिर्फ कौन कर सकता है, डीआर। कौन कर सकता है, डीआर। दिस थिंग इज क्लियर? इसका मतलब डीआर अदर सिर्फ कौन से एड्रेस को लिसन करते हैं, लिसन करना, मैं रिसीव करूंगा जिस पे, कौन से मैं रिसीव करूंगा। लेकिन डीआर आपका हमेशा 224.0.0.5 को भी लिसन करता है और .6 को, और बीडीआर भी 5 को भी लिसन करेगा और 6 को। दिस थिंग इज क्लियर? हाँ, सेम कंसेप्ट। Router OSPF, one network. Done. चले भाई, चारों राउटर पे OSPF चला दिया मैंने, एक एक लूपबैक बना दिया। चलते हैं R1 पे, ठीक है जी। सबसे पहली कमांड वेरीफाई करने के लिए शो IP OSPF नेबर। कौन कौन नेबर है इसके? 2, 3 और 4। 2 कौन है? BDR आपके सामने है। 3 और 4 DR अदर है, दिख रहा है? प्रायोरिटी क्या सबकी? याद रखना है मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ये मेरे नेबर की प्रायोरिटी है। इसकी प्रायोरिटी है नेबर की। स्टेट क्या सबके साथ? मतलब मैं कौन हूं? डीआर हूं। मैं कौन हूं? सबके इंटरफेस की आईपी मेरे पास पड़ी है, दिख रही है आपको? 10.1.1.2, 10.1.1.3, 10.1.1.4। कोई प्रॉब्लम? 2.2.2 क्या बना है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर इलेक्शन का क्राइटेरिया 2 थे। पहला क्राइटेरिया था प्रायोरिटी, दूसरा क्राइटेरिया था राउटर आईडी। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? अब प्रायोरिटी तो सबकी क्या है? सेम। तो कहोगे सर अकॉर्डिंगली तो 4.4.4 को डीआर बनना चाहिए, लेकिन रूल क्या होता है? जो राउटर मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे सबसे पहले अप आ जाता है, जिस पे आप सबसे पहले ओएसपीएफ चला देते हो, वही राउटर क्या बन जाता है? डीआर। वही राउटर क्या बनता है? डीआर। ये बार बार चेंज क्यों नहीं होता इलेक्शन में भाई? बार बार अगर एक नया राउटर ऐड होगा और वो डीआर बनेगा बिकॉज ऑफ हाईएस्ट राउटर आईडी, तो नेटवर्क में क्या आएगी? इंस्टेबिलिटी। क्या आएगी? इंस्टेबिलिटी। क्योंकि डीआर का काम क्या? टाइप 2 एलएसए जनरेट करता है। पहले आप जनरेट कर रहे थे, फिर मैं जनरेट कर रहा हूँ, मतलब सबके पास 2 कॉपी होगी अब एलएसए की। पहले दूसरी फ्लश करेगा, फिर पहली को इंस्टॉल करेगा। ऐसे ही चलता है भाई। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा जिसमें हम करेंगे कि जैसे मैं एक नेटवर्क को डाउन करता हूँ तो राउटर अपना टाइप 1 एलएसए सामने वाले को दोबारा भेजता है, और सामने वाला क्या करता है? पुराने वाले को सर्च कर देता है, एज आउट कर देता है, और नए वाले को इंस्टॉल कर लेता है। दिस डिफरेंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस नंबर। कल मैंने आपको बताया था अगर एक राउटर के पास सेम एलएसए आता है 2 सीक्वेंस नंबर से, तो कौन सा सीक्वेंस नंबर चेक होता है? हाईएस्ट। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। BDR down equal to power इलेक्ट्रेशन मीडिया डाउन रखो, फिर जब दो राउटर आप आएंगे दोनों में इलेक्शन होगा। स्टेट क्या है? फुल। मीडिया टाइम दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स देख लिया हमने, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रिक्स। किस किस इंटरफेस पे ओएसपीएफ चल रहा है? इसकी अपनी स्टेट क्या है? कितने राउटर के साथ नेबरशिप फॉर्म की हुई है? कितनों के साथ एडजेसेंसी है? तीन। कौन सा इंटरफेस है? शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/ क्या बता रही है कमांड? नेटवर्क टाइप क्या है? कॉस्ट क्या है? डीआर की राउटर आईडी क्या है? डीआर के इंटरफेस की आईपी क्या है? बीडीआर के इंटरफेस की आईपी क्या है? बीडीआर की राउटर आईडी क्या है? हेलो टाइमर क्या है? डेड टाइमर क्या है? 40। उसके बाद ये चीज देखो, नेबर काउंट कितना है? एडजेसेंट नेबर काउंट कितना है? एडजेसेंट नेबर काउंट का मतलब है कितने राउटर के साथ एडजेसेंसी फॉर्म की है। तो एडजेसेंसी सबके साथ फॉर्म की हुई है इस भाई ने। और 2.2.2 को क्या बता रहा है ये? BDR। क्या बता रहा है? BDR। कोई प्रॉब्लम? अब बाकी राउटर्स पे चल के रिजल्ट देख लेते हैं। R2 पर रिजल्ट सेम सा होगा। बस इसमें फर्क है कि 1.1.1 क्या बन गया? BDR। और क्या बन गया? BDR। कोई प्रॉब्लम? R3 पे आते हैं। R3 कौन है? R3 की सबसे पहले 4.4.4 के साथ स्टेट देखो क्या है? 2 है। मतलब सिर्फ क्या फॉर्म की हुई है? नेबरशिप। एडजेसेंसी सिर्फ किसके साथ फॉर्म की है? DRR BDR। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ खुद क्या है ये? DRR अदर। नेबर्स कितने हैं? सॉरी, एडजेसेंसी कितनों के साथ फॉर्म की है? 2 के साथ। और नेबर कितने हैं? 3। देखो ना, एडजेसेंसी कितनों के साथ फॉर्म की है? 2 के साथ। और नेबर कितने हैं टोटल? 3। मतलब ये मैं पहले उल्टा बोल गया था, मैंने बोला था नेबर और एडजेसेंसी, एक्चुअली है एडजेसेंसी और नेबर। क्योंकि मैं ये रिजल्ट हमेशा ऐसे वेरीफाई करता हूँ। क्या दिख रहा है आपको? नेबर काउंट कितना है? 3। लेकिन एडजेसेंट नेबर काउंट कितना है? 2। ठीक है जी। किस किस के साथ नेबरशिप एडजेसेंसी फॉर्म किया है इसने? DRR BDR के साथ। ठीक है जी। तो दिक्कत इसमें आपको R4 पे आके भी आप सेम रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हो। R4 खुद क्या है? एडजेसेंसी कितनों के साथ फॉर्म किया है? नेबर काउंट क्या है टोटल? तो दिक्कत इसमें। अब डेटाबेस चेक करें। देख रहा है टाइप 1 कितने हैं? टाइप 1 LSA कितने हैं? भाई टाइप 1 LSA 4 नहीं दिख रहे? कितने हैं? 4। हर राउटर अपना अपना जनरेट कर रहा है। लेकिन ये कौन सा LSA है? नेटवर्क लिंक स्टेट, मतलब टाइप 2 LSA। कौन से एरिया से बिलोंग करता है? 10 से। एडवर्टाइज कौन कर रहा है? 1.1.1.1। मतलब डीआर क्या है? 1.1.1.1। डीआर का आईपी एड्रेस क्या है? 10.1.1.1। डीआर के इंटरफेस की यही तो आईपी है, 10.1.1.1। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका मतलब टाइप 2 एलएसए में लिंक आईडी में क्या दिखाता है? डीआर की आईपी। और एडवर्टाइजिंग राउटर में डीआर की राउटर आईडी। डीआर की। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप 1 एलएसए में क्या चेंज आया है। ठीक है जी। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, कौन सा एलएसए होता है टाइप 1? राउटर। किस से चेक करता हूं? लिंक आईडी से, 1.1.1. देखो जी, ये वाली इंफॉर्मेशन सेम है बिल्कुल। कोई दिक्कत? जो लूपबैक वाली इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सेम है। दूसरी इंफॉर्मेशन कि इस बार ये सीरियल लिंक की तरह सीरियल लिंक को 2 नहीं काउंट करता, सॉरी ये फास्ट ईथरनेट लिंक को 2 नहीं काउंट करता। कितना काउंट करता है? 1। क्योंकि इसमें सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, लिंक कनेक्टेड टू अ ट्रांसिट। ट्रांसिट का मतलब होता है मल्टी एक्सेस नेटवर्क। ट्रांसिट का मतलब है डेजिग्नेटेड राउटर का आईपी एड्रेस क्या है 10.1.1.1 और मेरे खुद के इंटरफेस का आईपी एड्रेस भी क्या है 10.1.1.1। मीट्रिक कितनी है 10। एक चीज नोटिस करो, कहीं भी इस टाइप 1 एलएसए में बीच वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है? नहीं है ना। अभी दिखाता हूं बीच वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। अब हम टाइप 2 एलएसए ओपन करेंगे। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। टाइप 2 एलएसए कौन सा होता है? नेटवर्क। और ओपन करने के लिए क्या यूज करते हैं? लिंक आईडी क्या यूज करते हैं। ये बता रहा है दिस इज then IP address of DR and this is the subnet bus। तो इससे क्या आ गया मेरे पास? नेटवर्क आई डी 10.1.1.0/24। यही नेटवर्क तो चल रहा है मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे। और राउटर्स कितने कनेक्टेड हैं? 4। कौन से हैं? 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3 और 4.4.4.4। मतलब बीच वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नेटवर्क आई डी, सबनेट मास्क और कितने राउटर उस सेगमेंट पे कनेक्टेड है, ये तीनों इंफॉर्मेशन किसमें होती हैं? टाइप 2 एलएसए। ठीक है। अब देखो R1 पे बैठे बैठे मैं देखता हूं शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 2.2.2.2 क्या बता रहा है? मेरे इंटरफेस की आईपी क्या है? 10.1.1.2। मैं कौन सा एलएसए चेक कर रहा हूं? टाइप 1। 3.3.3 क्या बता रहा है? मेरे इंटरफेस की आईपी क्या है? 10.1.1.3। 4.4.4 क्या बता रहा है कि मेरे इंटरफेस की आईपी क्या है? 10.1.1.4। तो R1 के पास जितने भी नेटवर्क्स आ रहे हैं, जितने भी एलएसए आ रहे हैं, सब में सामने वाले राउटर की इंटरफेस आईपी है। तो R1 को जब भी अपनी राउटिंग टेबल बनानी होगी, नेक्स्ट स्टॉप सीधा क्या रखेगा? इस इंटरफेस आईपी को। और देखो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का क्या बेनिफिट है? जो डेटाबेस एक राउटर पे है, वही डेटाबेस दूसरे राउटर पे और वही डेटाबेस तीसरे राउटर पे। हर राउटर पे डेटाबेस क्या है? सेम। तो अगर मैं R4 का पर्सपेक्टिव भी देखता हूं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 1.1.1.1 अपने इंटरफेस आईपी क्या बता रहा है? अगर मैं बात करता हूं तो अपने इंटरफेस आईपी क्या बता रहा है? 10.1.1.2। वैसे ही 3 के लिए होगा, वैसे ही 4 के लिए होगा। और हर राउटर को जब राउटिंग टेबल बनानी होगी तो नेक्स्ट स्टॉप क्या यूज होगा? ये इंटरफेस आईपी। देखो शो आईपी रूट ओएसपीएफ 1 तक जाने के लिए 10.1.1.1, 2 तक जाने के लिए 10.1.1.2, 3 तक जाने के लिए 10.1.1.3। कोई प्रॉब्लम भाई इसमें? तो डेटा हमेशा डायरेक्ट जाएगा, लेकिन अपडेट हमेशा किसके थ्रू एक्सचेंज होंगे? डीआर के थ्रू। क्योंकि अपडेट कौन से एड्रेस पे जाते हैं? 224.0.0.6। तो चलो हम डीआर अदर पे सबसे पहले चेक करते हैं कि डीआर अदर ने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। फाइन। शो आईपी इंटरफेस FA0/0। डीआर ने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? सॉरी, डीआर अदर ने 224.0.0.5 लिखा हुआ है ना, मल्टी कास्ट रिजर्व ग्रुप ज्वाइन 224.0.0.5। लेकिन R1 क्या? R1 ने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? 224.0.0.5 और 224.0.0.6। क्या हुआ लोहित? रो क्यों रहा है? माना याद आ रही है दरगोश की। क्या हो गया फिर? आया नहीं मोहित तेरा दोस्त। मल्टीकास्ट एड्रेस का बहुत बड़ा यूज है यार। डीआर अदर अपना कोई भी मैसेज भेजेगा उसी मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजेगा। कोई भी अपडेट है, नॉर्मल अपडेट है, कुछ चेंज हुआ है, अपडेट तो हमेशा ओएसपीएफ में फुल ही होता है। तो जब भी जाएगा किस एड्रेस पे जाएगा? 224.0.0.6। तो सेम चीज आप बीडीआर को भी चेक कर सकते हो, इसने भी दो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है 5 और 6। फाइन, कोई इशू इसमें नहीं। अब मैंने क्या किया यार, किसी ने मेरे को बोला R3 को DR बना दो। R3 को क्या बना दो? DR। तो मैं R3 पे आया, इंटरफेस FA0/0। ये कमांड है क्या इंक्रीज करने की? प्रायोरिटी। मैंने R3 पे आगे क्या कर दी? 100। क्या कर दी? तो मैंने अब देखा शो IP OSPF इंटरफेस FA0/0, मेरी प्रायोरिटी चेंज होकर क्या होगी यार? 100। लेकिन क्या मैं DR बना? DR अभी भी कौन है? BDR कौन है? तो किसी ने मुझे बोला सर DR पे जाके ना क्लियर कर दो प्रोसेस को। मैंने क्लियर कर दिया। तो क्लियर करते ही क्या हुआ देखते हैं। 3.3 तो अभी क्या बना है? BDR। क्या बना है? BDR। DR कौन बना है? 2.2.2.2। तो रूल क्या है, जब भी DR डाउन जाएगा नया DR कौन बनेगा? BDR। और इलेक्शन दोबारा किसके लिए होंगे? BDR के लिए। इलेक्शन दोबारा किसके लिए होंगे? BDR के। दिस थिंग इज क्लियर। ये रूल याद रखना। कमांड और प्रायोरिटी चेंज करने की कमांड मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहते हो कि एक राउटर कभी भी DR और BDR इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, उसके लिए कमांड क्या? प्रायोरिटी को क्या कर दो? 0। गुड। सर सीरियल में दिया और बीडीआर ना, सीरियल टेबल में दिया और बीडीआर में सर नहीं, वहाँ जरूरत नहीं है ना। दैट इज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप। अच्छा इतनी बात समझ में आई। सारे हेलो जनरेट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है 5 पे ही हो रही है हेलो जनरेट, कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, देखो दो चीजें बता दूंगा इसी में। मैंने एक इंटरफेस लूपबैक 2 बनाया, इस पे एड्रेस क्या दिया? अगर मेरे को इंटरफेस बेसिस पे ही OSPF इनेबल करना तो कैसे करूंगा? IP OSPF 4 एरिया 10। 4 क्या है? प्रोसेस ID। 10 क्या है? एरिया नंबर। इंस्टेड ऑफ रनिंग अ नेटवर्क कमांड, मैं ये वाली कमांड भी रन कर सकता हूँ OSPF को इनेबल करने के लिए। अब आप कहोगे सर कोई डिफरेंस इन दोनों कमांड्स में? हाँ भाई, अगर दोनों कमांड्स कॉन्फिगर होंगी तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? इंटरफेस बेसिस वाली कमांड को। किसको मिलेगी? लेट्स से मैंने इंटरफेस बेसिस पे एरिया 10 डिफाइन किया और नेटवर्क कमांड में एरिया 0 डिफाइन किया, तो राउटर मानेगा एरिया कौन सा? 10। कौन सा मानेगा? 10। इट मींस इंटरफेस कमांड विल गेट मोर प्रेफरेंस देन नेटवर्क कमांड। बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं। देखो जी, अब ध्यान से देखो, अगर आप .10.1.1.4 ने अपडेट जनरेट किया किस एड्रेस पे? 6 पे। ठीक है जी। DR कौन है? 2 ने एक्नॉलेजमेंट किस पे दिया? ओ सॉरी, 2 के पास गया, 2 ने भी अपना अपडेट दिया, आगे भेजा, किस एड्रेस पे भेजा? 5 पे। और इसने किस पे भेजा था? 6 पे। टाइप 1 LSA दोबारा भेज दिया, दिख रहा है आपको? पूरा टाइप 1 का टाइप 1 LSA दोबारा भेज दिया। इसका मतलब OSPF में अपडेट हमेशा कैसे होते हैं? फुल, कभी भी पार्शियल नहीं होते। डेटाबेस है ना भाई। उसके बाद देखो, जब ये DR अदर ने, ये 10.1.1.1 ये भी DR अदर होगा। R1 की बात कर रहा है एक्चुअली, R1 भी कौन होगा अब? DR अदर, क्योंकि R2 मेरा BDR है और R3 मेरा ओ BDR है, R2 मेरा DR है और R3 मेरा BDR है, तो R1 और R4 क्या रह गए? DR अदर। तो R4 ने जब एक्नॉलेजमेंट दिया है, सॉरी R1 ने जब एक्नॉलेजमेंट दिया किस पे दिया है? 6 पे, मतलब वो अपडेट भी 6% करेगा और एक्नॉलेजमेंट भी 6% करेगा। कौन? DR अदर, DR अदर। ठीक है जी, अब हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। R2 पे आ जाओ, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। R4 का सीक्वेंस नंबर देखो, 0x8000000005। हम R4 पे चलते हैं, ठीक है जी। इंटरफेस लूपबैक 2 को मैंने क्या मार दिया? डेटाबेस दोबारा जनरेट हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? पहले देखो नंबर और लिंक कितने आ रहे थे? 3, अब कितने आ रहे हैं? 2। सीक्वेंस नंबर पहले क्या था? 5, अब क्या आ गया? नए वाला अपडेट हो गया, पुराने वाला डेटाबेस क्या हो गया? फ्लश। क्या हो गया? फ्लश। दिस थिंग इज क्लियर। तो जब जब चेंज आता सामने वाला राउटर लिमिट हो गई है, जब जब चेंज आता है सामने वाला राउटर क्या करता है? सीक्वेंस नंबर को इंक्रीज करके क्या भेज देता है? एक अपडेट। क्या भेज देता है? अपडेट। तो मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे मैंने R4 पे नेटवर्क को डाउन किया, सामने वाले राउटर ने दोबारा अपडेट भेज दिया, ठीक है जी। और LSA अपना टाइप 1 दोबारा जनरेट किया, ठीक है जी। तो ये था आपका टाइप 2 LSA। कौन सा LSA? अब हम किस पे आएंगे? टाइप 3। मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। टाइप 3 LSA इज कॉल्ड Type 3 LSA is responsible for inter-area communication। अब यार सबसे पहली बात आती है कि inter-area communication करवाने के लिए तो एक ऐसा राउटर होना चाहिए जिसके पास इस एरिया की भी इंफॉर्मेशन हो और इस एरिया की भी इंफॉर्मेशन हो। यस सर नो। तो एक राउटर जो मल्टीपल एरिया से कनेक्टेड होता है, और राउटर विच इज कनेक्टेड विद मल्टीपल एरियाज एंड एट लीस्ट वन एरिया इज 0 is called as ABR, is called as ABR। अब मेरा क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से समझना है आपको। पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तभी उसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, वरना सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखो गाइस, लेट्स से दिस इज R1, एक राउटर है जिसके इस तरफ कौन सा एरिया कनेक्टेड है? एरिया 0। तो किसी ने क्या किया, इस राउटर पे इस इंटरफेस को किस एरिया में डाल दिया? एरिया 1 में। जैसे ही इस राउटर को के इस इंटरफेस को एरिया 1 में डाला, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली, ये मल्टीपल एरिया से कनेक्टेड है, दूसरी एटलीस्ट एक एरिया क्या है, तभी ये क्या बन गया? एरिया। पहला क्वेश्चन तो माइंड में ही आता है, ये राउटर अपने एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में भी अगर कोई राउटर होगा, क्योंकि ABR तो ये एरिया 1 के लिए भी है और एरिया 0 के लिए भी है, यस सर नो। तो कैसे बताएगा कि ABR बन गया? देखो हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा कंसर्न क्या है यार, हम तो ह्यूमन है, अगर मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर की भी आ जाए इधर की भी आ जाए, दोनों तरफ के लोगों को देख के समझ में आ जाएगा कि मेरे पे क्या आ गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये तो राउटर है, ये राउटर पहले नॉर्मल राउटर था, अभी क्या बना ABR, तो इसको अपने एरिया में सारे राउटर्स को बताना तो पड़ेगा ना। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ अब ABR। इफ यू वांट टू रीच डिफरेंट एरिया कम टू वो दूसरी बात अभी उसमें भी आएंगे कि इंफॉर्मेशन ABR क्या फॉरवर्ड करेगा। सबसे पहले ये राउटर हर एरिया में बताएगा कैसे कि मैं क्या बन गया हूँ ABR। हाँ बताओ अपडेट मैसेज ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। जब भी कोई राउटर ABR बनेगा, ABR बनते ही राउटर अपना टाइप 1 LSA रीजनरेट करेगा। कौन सा LSA क्या करेगा? रीजनरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि टाइप 1 LSA में एक बिट होती है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिट, जो ये क्या कर देता है ऑन। इसका मतलब क्या होता है कि मैं क्या बन गया हूं ABR। मैं क्या बन गया हूं ABR। सबको सिग्निफाई करने का ये प्रोसेस है OSPF में कि वो अपना टाइप 1 LSA रीजनरेट करेगा और उस टाइप 1 LSA में जो भी बिट होगी उसको मार के रख देगा। ठीक है, और इससे सबको पता चल जाएगा वो राउटर क्या बन गया ABR। पहली चीज क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर। तो अब जैसे ही वो राउटर ABR बनेगा क्या करेगा वो पता चल गया? अपना टाइप 1 LSA रीजनरेट करेगा और दोनों एरिया में स्प्रेड कर देगा, जिससे हर राउटर को पता चल जाएगा वो क्या बन गया ABR। अब उसका एक्चुअली काम क्या है ध्यान से समझना। अब गाइस एक नेटवर्क के साथ मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? मुझे नेटवर्क आईडी चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए और क्या चाहिए? और बात खत्म। ये तीन इंफॉर्मेशन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब होने क्या वाला है ध्यान से देखो यार। This is area 0, this is area 1. Now look here. R1 will be acting as ABR. तो जैसे ही वो ABR बनेगा टाइप 1 LSA अपना दोबारा जनरेट करेगा, क्योंकि गाइज R1 के पास सारे टाइप 1 LSA एरिया 1 के भी हैं और एरिया सारे टाइप 1 LSA। बट क्या कहा मैंने? मतलब R5 का टाइप 1, R4 का टाइप 1 R1 के पास है, R2 का टाइप 1, R3 का टाइप 1 R1 के पास है। लेकिन राउटिंग टेबल बनाने के लिए R1 क्या यूज करता है? क्या यूज करता है? मैंने आपको दिखाया था शो IP OSPF रिब। OSPF भी एक क्या बनाता है? राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, जिसमें से बेस्ट नेटवर्क्स का इंस्टॉल कर देता है राउटिंग टेबल में। का इंस्टॉल कर देता है, हाँ, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो। अब वो भी करेगा, देखिए क्यों करेगा, रीजन है ना उसके पीछे, अभी बताता हूँ आपको। देखो जी, अब R1 क्या करेगा यार, एक मिनट। अब R1 क्या करेगा? अब R1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले कि एरिया 1 में सारे एरिया 0 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देना और एरिया 0 में सारे एरिया 1 के नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन देना। इसका मतलब लिंक स्टेट बिहेवियर तो यहाँ खत्म हो गया। लिंक स्टेट बिहेवियर OSPF का एक सिंगल एरिया में एग्जिस्ट करेगा। सिंगल एरिया में एग्जिस्ट करने का मतलब एक सिंगल एरिया में हर राउटर का डेटाबेस क्या होगा? सेम। लेकिन मल्टीपल एरियाज में राउटर का डेटाबेस सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो R3 को मैं मानता हूं कि इन सब नेटवर्क्स के बारे में पता होगा, लेकिन वो रीचेबल किसके थ्रू होंगे? सेम केस R5 को मैं मानता हूं कि एरिया 1 में लाई करने वाले हर नेटवर्क के बारे में पता होगा, लेकिन वो रीचेबल किसके वाया होंगे? R1 के। ये तो डिस्टेंस वेक्टर बिहेवियर आ गया। कौन सा बिहेवियर? डिस्टेंस वेक्टर के सारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल किस पे हूँ? R1 पे। एक राउटर पे जैसे डिस्टेंस वेक्टर में होता था कि मैं सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन के लिए किस पे रिस्पॉन्सिबल हूँ? अपने नेबर पे। इस बार क्या है? मैं सारे दूसरे एरिया के सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए किस पे रिस्पॉन्सिबल हूँ? अपने एबीआर पे। किस पे? अपने एबीआर। मतलब मेरे को दूसरे एरिया के किसी भी राउटर की किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो एबीआर मुझे बता रहा है वही मेरे लिए क्या है? सच है। जैसे मैं डिस्टेंस वेक्टर का एग्जांपल दूं तो R1, R2 और R3। R3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देता था R2 को, R2 इसको देता था R1 को। R1 के लिए सिर्फ एग्जिस्ट कौन करता है? R2। R1 को R3 के बारे में नहीं पता। इन सिमिलर केस मुझे नहीं पता R2 कौन है, R5 कौन है, लेकिन फिर भी मेरे एरिया में नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि दे कौन रहा है? ABR। तो हमने एक बात पढ़ी कि जब भी OSPF इंटर एरिया कम्युनिकेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ABR। अब OSPF अपना लिंक स्टेट बिहेवियर छोड़ चुका है। OSPF इज मोर ओवर अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है जी। अब ABR का एक्चुअली काम क्या है? उसके पास OSPF रिब होगी जिसमें सारे नेटवर्क्स होंगे, एरिया 1 के भी और एरिया 0 के भी। अब वो क्या करेगा? एरिया 1 के नेटवर्क्स उठाएगा, नेटवर्क आईडी प्लस सब नेटवर्क, और इसको ये भी पता होगा कि इसकी उन नेटवर्क्स तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है। उस कॉस्ट को उठाएगा, इन तीन चीजों को किस एरिया में एडवर्टाइज कर देगा? एरिया 0 में। वैसे ही क्या करेगा? OSPF रिब में एरिया 0 के भी सारे नेटवर्क्स पड़े होंगे, नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क और कॉस्ट, ये तीनों चीजें किस एरिया में दे देगा? एरिया 1। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द फुल LSA, उसने सिर्फ LSA की क्या भेजी? समरी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समरी LSA। क्या बोलते हैं? समरी LSA। ये कहानी थी इसकी, टाइप 3 LSA। डिस्कस करें, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। Command is used to enable OSPF on all the interfaces. Fine. Area क्या ले लिया मैंने? इस साइड डन। इस पे आगे R ठीक है। एरिया, नेटवर्क, एरिया, नेटवर्क, एरिया। ठीक है जी। भाई बात मत करो, उसको बात करनी है, वो यहाँ आ जाओ। नेटवर्कशिप आ गई दोनों के साथ फुल। सबसे पहले अगर कोई क्या देख रहा है, राउटर एबीआर है या नहीं है। इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, या फिर एक कमांड और है, इट इज एन एरिया बॉर्डर। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो जी, F0/0 मैंने क्या कर दिया, शट। अब क्या राउटर ये ABR होगा। चला रखा ना मैंने इसके इंटरफेस पे क्या एरिया 0, बाकी दोनों पे क्या एरिया। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस लूपबैक 1 को भी क्या कर देता हूँ। दोनों के आ गई स्टेट, जिन पे एरिया 10 चल रहा है वो क्या हो गया डाउन। अब चेक करता हूँ एबीआर है, इट इज नॉट एन एबीआर। ठीक है जी, जस्ट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को। देखो जब ध्यान से, R7 पे आके मैंने कमांड चलाई, शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर्स, शो आईपी ओएसपीएफ। कोई एबीआर है R7 को? पता है किसी एबीआर के बारे में? नहीं पता। एग्री, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब मैंने क्या किया, देखो R6 पे आया, इंटरफेस देखो जी ध्यान से, इंटरफेस F0/0 क्या कर दिया, इंटरफेस लूपबैक 1 को क्या कर दिया। क्या भेजा इस भाई ने, लिंक स्टेट। लिंक स्टेट अपडेट भेजा। अपडेट में क्या जाता है, कौन सा एलएसए, कौन सी बिट सेट कर दी? बी बिट। एरिया बॉर्डर राउटर के मैं कौन हूँ? एबीआर। मैं कौन हूँ? एबीआर। और अपना टाइप 1 एलएसए क्या कर दिया होगा? रीजनरेट। क्या कर दिया होगा? देखे देख रहे थे 6.6 ने अपना टाइप 1 एलएसए क्या किया? दोबारा जनरेट। इससे टाइम कम है ना भाई इसका, तो ये मतलब क्या हुआ है? रीजनरेट। अब देखते हैं R6 कर क्या रहा है एक्चुअली। ध्यान से समझो इस चीज को। शो आईपी ओएसपीएफ रेट। R6 को पता है कि मेरे पास एक 1.1.1 नेटवर्क है जो किस एरिया से बिलोंग करता है? एरिया टेन से। दूसरा नेटवर्क है 6.6.6.6 जो किससे बिलोंग करता है? टेन से। दूसरा नेटवर्क है 7.7.7 जो किससे बिलोंग करता है? 0 से। 56 वाला नेटवर्क किस एरिया से बिलोंग करता है? 10 से। और 67 वाला नेटवर्क किस एरिया से बिलोंग करता है? अब उसको पता है कि मेरे को 0 वाले जितने भी नेटवर्क है उनकी इंफॉर्मेशन कौन से एरिया में देनी है? 1 में। और 10 में। और 10 वाले की 0 में। ठीक है जी। देखिए अब इसने ऐसे ही डेटाबेस बनाया, ध्यान से देखो। पहले इधर देखो कि एरिया 10 में कितने नेटवर्क्स हैं? 3। मतलब एरिया 0 में कितने आने चाहिए? एरिया 0 में कितने आ रहे हैं? 3। ठीक है ना। एरिया 10 वाले नेटवर्क किसमें आएंगे भाई? एरिया 0 में। किसमें आएंगे? एरिया 0। अब दोबारा देखो कि एरिया 0 में कितने नेटवर्क हैं, तो वो किसमें आएंगे? एरिया। एरिया 2 वाले नेटवर्क किसमें आ गए? एरिया 10 में। यही नेटवर्क है। देखो अब देखो ध्यान से नेटवर्क देखो कि एरिया 0 में जो नेटवर्क आ रहे हैं वो कौन से एरिया के नेटवर्क हैं? एरिया 10 के। कौन सा 1.1.1.1 6.6.6.6 और 56.1.1.0। एडवर्टाइज कौन कर रहा है? 6.6.6.6 और 6.6.6 कौन है? एबीआर। कौन है? इन सिमिलर वे जो नेटवर्क्स एरिया 10 में आ रहे हैं कौन से हैं वो? 7.7.7.7 और 67.11.0। और एडवर्टाइज कौन कर रहा है? 6.6.6.6 क्योंकि 6.6.6 कौन है? एबीआर। देखो अब शो आईपी प्रोटोकॉल्स 6.6 क्या है? खुद एक एबीआर। क्या है? एबीआर। अब एबीआर एक्चुअली क्या फॉरवर्ड कर रहा है इन नेटवर्क्स के साथ? कॉस्ट। वो कॉस्ट क्या है? एबीआर बता रहा है। एबीआर को बताया कि 1.1.1 तक पहुंचने की उसकी अपनी कॉस्ट क्या है? 11। 6.6.6 तक पहुंचने की उसकी अपनी कॉस्ट क्या है? 1। कितनी है? खुद का ही नेटवर्क होगा ना। 7.7.7 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है? 11। 56 वाले नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट 10। 67 वाले नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट 10। सारी कॉस्ट पता है। ये कॉस्ट भी आगे क्या करेगा? फॉरवर्ड। आगे क्या करेगा? फॉरवर्ड। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। तो R7 पे चलते हैं, सेम कमांड चलाते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर्स। भाई इसको पहले ही पता है। आई का मतलब इंट्रा एरिया रूट। किसके लिए? 6.6.6 के लिए। कॉस्ट क्या? 6.6.6 तक जाने की 10। नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 67.1.1.6। इंटरफेस कौन सा है? FA0/0। और वो राउटर है क्या? रोल क्या है उसका? एबीआर। उसका रोल क्या है? ठीक है जी। इसका मतलब R7 को पहले ही पता है कि मेरी ABR तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है? 10। कितनी कॉस्ट है? 10। ठीक है। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। कौन से एरिया में लाई करता है राउटर? एरिया 0 में। समरी LSA आ रहे हैं इसके पास। कितने आ रहे हैं? 3। दिख रहे हैं आपको? 11 1.1.1 नेटवर्क आ रहा है, 6.6.6 नेटवर्क आ रहा है और एक 56.1.1.0। अब इस समरी एलएसए को ओपन करते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। अब क्या लिखेंगे हम? समरी। लिंक आईडी क्या रहा है भाई? 1.1.1 नेटवर्क है। इसको एडवर्टाइज कौन कर रहा है? इसका सबनेट मास्क क्या है? इसकी कॉस्ट क्या है? 11। ये 11 कॉस्ट कहां से है? एबीआर से। कहां से? मतलब एबीआर बता रहा है कि मेरे से ये नेटवर्क 11 कॉस्ट दूर है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी इस राउटर की एबीआर तक पहुंचने की कॉस्ट, जो कि क्या है 10, और एक कॉस्ट जो इस एलएसए में आई है वो क्या है 11, 10 + 11 21। शो आईपी ओएसपीएफ रिप कॉस्ट क्या होगी 1.1.1 तक जाने की 21, और ये राउटिंग टेबल में आ गया, अब आ गया 1.1.1 कॉस्ट क्या है 21। आइए का मतलब एंटर एरिया, आइए का मतलब दिस थिंग इज क्लियर। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी एक नेटवर्क के लिए और देख लेते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस समरी 6.6.6.6 क्या बता रहा है 6.6.6 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है 1। ये किसकी है, किसकी है ये एबीआर की। तो एबीआर तक जाने की कॉस्ट कैसे देखते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर एबीआर तक जाने की कॉस्ट क्या है 10 + 1 6.6 तक जाने की कॉस्ट क्या हो गई 11। शो आई पी राउट ओएसपीएफ राउट कैसा है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम। एक और है इस नेटवर्क तक जाने की कॉस्ट कितनी है 10, सबनेट मास्क क्या है 20। एबीआर तक जाने की कॉस्ट कितनी है 10 + 10 10 + 10 20। शो आईपी राउट ये भी रूट कैसा है इंटर। दिस थिंग इज क्लियर। एबीआर पे कभी भी कोई रूट एज इंटर एरिया नहीं दिखेंगे, याद रखना, कभी भी कोई रूट एज इंटर एरिया क्यों नहीं दिखेंगे, ये एबीआर तो दोनों एरिया का क्या है नंबर है। दिस थिंग इज क्लियर। आगे चलें। अगला एलएसए कौन सा, कौन सा एलएसए है टाइप 5 एलएसए। टाइप 5 एलएसए क्या करता है, whenever external routes are redistributed in OSPF they are injected in form of type LSA। अब हमें एक बात पता है कि OSPF में कभी भी रूट्स नहीं होते यार, कभी भी क्या नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं LSS। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। R2 और R3 के बीच में क्या चल रहा है लेट्स से, और R1 और R2 के बीच में क्या चल रहा है लेट से, तो आप R2 पे क्या परफॉर्म करोगे रिडिस्ट्रीब्यूशन। एग्री। अब देखो ध्यान से इस बात को कि R2 इस एरिया में, सॉरी इस OSPF डोमेन में एक्सटर्नल रूट्स को किस LSA में लेके जाएगा, किस LSA के फॉर्म में लेके जाएगा टाइप। इंफॉर्मेशन कितनी होंगी देखो, नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, नेक्स्ट थिंग विल बी कॉस्ट, नेक्स्ट थिंग विल बी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन होगा, कौन होगा एएसबीआर। नेक्स्ट थिंग विल बी रूट टाइप इवन और E2 के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। पहले ये चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन तो दोबारा ये भी आएगा यार कि जब राउटर एक एबीआर बना था, क्या बना था? उसने एरिया में सब राउटर्स को बताया था मैं क्या बन गया हूं, एबीआर। कैसे बताया था? बी बिट को ऑन करके कौन से एलएसए में थी वो? टाइप 1 एलएसए। कौन से एलएसए में थी वो? अब गाइस एक राउटर क्या बन रहा है, उसे एरिया में हर राउटर को बताना पड़ेगा कि मैं क्या बन गया हूँ, एएसबीआर। क्या बन गया हूँ? अब पहली बात तो ये राउटर एरिया में हर राउटर को बताएगा कैसे कि मैं क्या बन गया हूँ, एएसबीआर। तो अब सेम कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। R1 क्या करेगा, R2 क्या करेगा, सॉरी, जब भी एएसबीआर बनेगा अपना टाइप 1 एलएसए रीजनरेट करेगा। कौन सा एलएसए? टाइप 1 एलएसए में एक ई बिट होती है। कौन सी बिट? ई बिट। ई बिट वो बी बिट देखी थी ना आपने, उसके ऊपर ही थी एक और बिट, उसको हम क्या बोलते हैं? ई बिट। उस ई बिट को सेट करके सारे एरिया में भेज देगा, जिससे उस सेम एरिया में हर राउटर को क्या पता चल जाएगा भाई एएसबीआर कौन है, R2। एएसबीआर कौन है, R2। दिस थिंग इज क्लियर। अब हर राउटर को R2 तक पहुंचने की कॉस्ट पता है। हर राउटर को R2 तक पहुंचने की कॉस्ट क्यों पता है? बिकॉज दे बिलोंग टू सेम एरिया, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम एरिया। दिस थिंग इज क्लियर। अब लेट्स से भाई R2 क्या बना, ASBR। R2 ने टाइप 1 LSA में कौन सी बिट सेट कर दी? ई बिट। और किसको बता दिया? OSPF के इस एरिया के सारे राउटर्स को कि मैं क्या बन गया हूं, ASBR। अब R2 ने क्या जनरेट किया? एक टाइप 5 LSA। टाइप 5 LSA में लिंक आईडी क्या होगी? नेटवर्क की नेटवर्क आईडी। जो नेटवर्क एक्सटर्नली आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी नेटवर्क आईडी। एडवर्टाइजिंग राउटर क्या होगा? राउटर आईडी ऑफ ASBR। LSA के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होगी? नेटवर्क आईडी होगी, मास्क होगा, अगली चीज कॉस्ट होगी। और कॉस्ट बाय डिफॉल्ट क्या रहती है? OSPF। क्या रहती है? OSPF में अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए कॉस्ट नहीं डिफाइन करते तो OSPF बाय डिफॉल्ट कितनी कॉस्ट यूज कर लेता है? 20। सॉरी, यहाँ क्या रन किया मैंने? यहाँ क्या रन किया मैंने? इस राउटर को मैंने क्या बना दिया? ASBR। अब ये राउटर कौन सा एलएसए जनरेट करेगा? टाइप 5। सबसे पहली बात, टाइप 5 एलएसए विल नेवर बिलोंग टू एनी एरिया। टाइप 5 LSA कभी भी किसी एरिया से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यार वो किसी एरिया से बिलोंग करेगा क्यों, जबकि किसी एरिया का वो है ही नहीं। टाइप 5 LSA में इंफॉर्मेशन कौन से रूट्स की है? एक्सटर्नल रूट्स। एक्सटर्नल रूट्स एरिया स्पेसिफिक है? नहीं, एरिया स्पेसिफिक नहीं है। तो टाइप 5 LSA कभी भी किसी एरिया से बिलोंग नहीं करता। तो R3 ने टाइप 5 LSA जनरेट किया और किसको दिया? R2 को भी और R1 को भी। उस टाइप 5 LSA में कॉस्ट कितनी फॉरवर्ड हुई है? 2020। अब R1 और R2 क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर नेटवर्क को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेंगे। और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20 उस LSA में आई है और उन्हें पता है कि उनकी R3 तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि बिकॉज दे बिलोंग टू सेम एरिया, क्योंकि वो सेम एरिया से बिलोंग करते हैं। खराब हो गया। अब R1 और R2 को पता है कि उनकी R3 तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है। अब R1 और R2 ने पता लगा लिया भाई हमारी R3 तक, लेट्स से हमारी R3 तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है। R1 को पता चला मेरी R3 तक पहुंचने की कॉस्ट है 10। LSA में कॉस्ट आई कितनी है? 20। टोटल कितनी हो गई? 30। R2 को भी पता चल गया R3 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है। 10 LSA में कॉस्ट आई कितनी है 20, टोटल कितनी हो गई 30। इसका मतलब R1 और R2 दोनों के लिए ASBR तक पहुंचने की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 30। ये किसका काम था टाइप 5 LSA। ठीक है जी, अब एक केस और लेते हैं। यहाँ क्या रन किया मैंने, यहाँ क्या रन किया मैंने, यहाँ क्या रन किया मैंने, ठीक है। अब ये राउटर क्या बन गया, ये ASBR जैसे ही बना इसने टाइप 1 LSA में कौन सी बिट सेट कर दी, कौन सी बिट, और अपने एरिया में राउटर को दे दी। इसका मतलब R1 को भी पता चल गया ASBR कौन है 2 और R3 को भी पता चल गया ASBR कौन है 2। अब इस बंदे ने क्या किया टाइप 5 LSA जनरेट किया, कौन सा टाइप 5, जो किसी एरिया से तो बिलोंग करता ही नहीं है, जो फ्लड होगा फ्लड किस एड्रेस पे होगा 224.0.0.5, इस एड्रेस को सारे राउटर लिसन करते हैं। तो ये R1 के पास भी जाएगा, 3 के पास भी, 4 के पास भी और 5 के बाद भी, सबके पास पहुंच गया। अब प्रॉब्लम क्या आई कि R4 और R5 को पता ही नहीं है ASBR कौन है, एग्री और नॉट। R4 और R5 को ये नहीं पता कि ASBR कौन है, क्योंकि देखो R2 जब कोई भी LSA जनरेट करेगा एडवर्टाइजिंग राउटर कौन होगा R2 खुद होगा, यस और नो। तो क्या R4 और R5 R2 को जानते हैं, नहीं, वो तो सिर्फ किसको जानते हैं एरिया 1 में प्रेजेंट नेटवर्क्स को, वो जानते ही नहीं कि ये राउटर कौन है और ये राउटर कौन है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मेरा ये ABR क्या करेगा, एरिया 0 में किसकी इंफॉर्मेशन देगा, इसका मतलब ASBR की इंफॉर्मेशन देना। कौन से टाइप का LSA हुआ टाइप 4, कौन से टाइप का LSA हुआ टाइप 4। अब मेरे ABR ने क्या किया, जिस एरिया में ASBR प्रेजेंट नहीं था उस एरिया में किसकी इंफॉर्मेशन दे दी ASBR। अब एरिया 0 में R1 बोलेगा कि अगर तुम्हें R2 तक जाना है तो तुम मेरे थ्रू जा सकते हो और मेरे से R2 तक पहुंचने की कॉस्ट ये है। लेट्स से R1 की R2 तक पहुंचने की कॉस्ट थी कितनी थी 10, तो R1 क्या टाइप 4 LSA बनाएगा, ऐसे बनाएगा R1 टाइप 4 LSA। टाइप 4 किसने बनाया R1 ने, R1 कहेगा मैं कौन हूं, लिंक आईडी किसकी होगी, सॉरी देखो इधर दो चीजें होंगी, लिंक आईडी होगी ASBR की, R2 किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं R2 की, एडवर्टाइजिंग राउटर मैं खुद कौन हूं R1, और R1 से R2 तक की कॉस्ट क्या है 10, कॉस्ट क्या 10। ये इंफॉर्मेशन किस एरिया में दे देगा एरिया 0 में। अब R5 को ये भी पता चल गया R2 कौन है और ये भी पता चल गया कि R1 की R2 तक कॉस्ट क्या है। देखो जी अब ध्यान से देखो, लेट्स से R5 को टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो R5 से लेके R1 तक की कॉस्ट हम कितनी मान लेते हैं 10। R2 ने जब कोई टाइप 5 LSA जनरेट किया होगा कॉस्ट कितनी रखी होगी उसमें बाय डिफॉल्ट 20। अब R5 के बाद जो LSA आया हुआ है उसमें कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट है 20। ठीक है जी, अब ध्यान से समझो, R5 को जो टाइप 4 LSA मिल रहा है, कौन सा LSA, उसमें कॉस्ट कितनी है 10, कितनी है 10। अब R5 क्या करेगा 20 plus 10 plus 10, देखो पहली कॉल जो एलएसए में आई है 20 मैंने ऐसे ही ऐसे उठा ली, फिर मैं देखा हाँ भाई ये एलएसए जनरेट कौन कर रहा है, एएसबीआर। कौन जनरेट कर रहा है, मुझे एएसबीआर तक जाने के बारे में नहीं पता। फिर मेरे पास एक टाइप 4 एलएसए आया जिसमें मुझे कहां तक जाने के बारे में पता था, एएसबीआर तक जाने के बारे में। तो मुझे पता चला कि एबीआर की एएसबीआर तक की कॉस्ट कितनी है 10। तो मैंने 20 + 10 कर लिया। फिर मैंने क्या देखा मेरी एबीआर तक की कॉस्ट कितनी है 10 और 20 + 10 + 10 टोटल कितना हो गया 40। तो इस तरह से राउटर्स क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट। ठीक है जी। और टाइप 4 एलएसए में कौन सी कॉस्ट आती है, एबीआर से एएसबीआर तक। एएसबीआर कौन सी कॉस्ट फॉरवर्ड करता है, जो रीडिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आप डिफाइन करते हो या फिर जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है 20। सपोज एसबीआर के आगे दो राउटर्स हैं और एक की कॉस्ट 20 है और एक की कॉस्ट 30 है, तो बाय डिफॉल्ट 20 फॉरवर्ड करेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन ही ऐसे पूछना चाहिए था सर कि R1 एबीआर के एएसबीआर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, अभी भी तो दो ही हैं। एक की कॉस्ट क्या है 10 और दूसरे की कॉस्ट क्या है 20, तो फॉरवर्ड कौन सी कर रहा है आगे 10। इसका मतलब हर राउटर कौन सी कॉस्ट फॉरवर्ड करेगा, अपनी बेस्ट कॉस्ट। क्या फॉरवर्ड करेगा, अपनी बेस्ट कॉस्ट। क्या R1 के पास अगर दो रास्ते हैं R2 तक जाने के, एक की कॉस्ट 20 एक की कॉस्ट 10 है, तो कौन सी कॉस्ट फॉरवर्ड करेगा, बेस्ट कॉस्ट। तो क्या प्रॉब्लम है, बना लेते हैं मल्टीपल एबीआर का केस देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये एक सिंगल एरिया बना लिया, ये और एरिया बना लिया, कोई दिक्कत। ये राउटर की क्या बना दिया हमने एएसबीआर, ये क्या हो गया आपका एबीआर 1, ये क्या हो गया एबीआर 2। ये ले ये सीरियल लिंक ले लिया, इसकी कॉस्ट कितनी है, ये फास्ट ईथरनेट लिंक, इसकी कॉस्ट कितनी है 10। देख अब टाइप 5 सिर्फ कौन जनरेट करेगा, ये भाई R1 के पास टाइप 5 आया, कोई प्रॉब्लम। टाइप 5 के लिए एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है R4। 4 की इंफॉर्मेशन अब ये एबीआर भी जनरेट करेगा, और मतलब ये इस एरिया में टाइप 4 एलएसए कितने होंगे दो, एक ये एबीआर जनरेट करेगा और एक ये एबीआर। अब R1 बेस्ट कैसे डिसाइड करेगा, जो एबीआर लीस्ट कॉस्ट एडवर्टाइज करेगा वही क्या हो जाएगा बेस्ट। कोई प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला, जो एबीआर अपनी एएसबीआर तक की लीस्ट कॉस्ट एडवर्टाइज करेगा वो क्या बन जाएगा बेस्ट। अब ये एबीआर 1 बोलेगा भाई मेरे से एएसबीआर कितना दूर है, ये एबीआर बोलेगा भाई मेरे से एएसबीआर कितना दूर है 10, तो किसको बेस्ट मानेगा एबीआर 2 को, एबीआर 2 को। कोई प्रॉब्लम। हाँ जी यार दोनों सेम हुई तो फिर लोड बैलेंसिंग इक्वल कॉस्ट ओएसपीएफ सपोर्ट करता है, शुरू में बताया था आपको, पॉइंट लिखवाया था। हां जी एएसबीआर जब रीडिस्ट्रीब्यूट के राउट्स का कॉस्ट बढ़ाएगा तो डिफॉल्ट 20 बताएगा। हां जी, तो वहां पे उसके खुद की कॉस्ट सपोज 30 है या 40 तो भी 20 बताएगा। तो ब्रो खुद की कॉस्ट कैसे हो सकती है उसकी एएसबीआर से, और इसके आगे एक वो एबीआर एडवर्टाइज कर रहा है, दैट इज एडवर्टाइज्ड बाय एबीआर नॉट बाय एएसबीआर। एएसबीआर सिर्फ क्या बता रहा है, ये नेटवर्क ओएसपीएफ में इंजेक्ट हुआ है, इसकी कॉस्ट 20 है बाय डिफॉल्ट, आप अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हो। जो दूसरी कॉस्ट की बात कर रहा हूं वो एबीआर एडवर्टाइज कर रहा है, किसको, एक ऐसे एरिया में जिस एरिया में एएसबीआर एग्जिस्ट नहीं करता। अरे बिल्कुल, उस केस में कभी भी टाइप 4 एलएसए की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका सिनेरियो कुछ ऐसे होता है, मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से कि अगर आपका सिनेरियो कुछ ऐसे होगा, एरिया 0 एरिया 1, ये राउटर एबीआर भी है प्लस एएसबीआर भी है, तो इस केस में कभी भी टाइप 4 एलएसए की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों एरिया में एएसबीआर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो टाइप 4 की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। टाइप 4 की जरूरत किस एरिया में पड़ती है, जिस एरिया में एएसबीआर एग्जिस्ट नहीं करता। दिस थिंग इज फाइन। तो आज के लिए बहुत है, कल प्रैक्टिकल कर लेंगे भाई इसका। और कल हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले ही बता देता हूँ, कल हम अपना कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या स्टार्ट कर देंगे? समराइजेशन। और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा फिल्टर। ये कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में रहता है क्या, क्या बता देता हूँ। आज हमने सारे एलएसएस खत्म कर लिए, कल आता ही हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरियाज। मेरे पास कुछ टाइप्स हैं एरियाज की, ओएसपीएफ में वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलो टाइमर कैसे चेंज करना है, डेड टाइमर कैसे चेंज करना है, कुछ बेसिक कमांड्स हैं हमारे पास वो। उसके बाद हम किस पे मूव ऑन कर जाएंगे? समराइजेशन पे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे?